सोनार साहब, गौस इनामदार साहब, गौस सावरी साहब, शेख फिरोज साहब, मोहम्मद आमिर साहब, यहाँ मौजूद तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, आपने बहुत सारी बातें सुनी। मैं कुछ ज्यादा आपसे बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आज कांग्रेस की यहां पर कॉरपोरेशन में सरकार चल रही है। क्या कांग्रेस ने अच्छा काम किया 5 सालों में, बताइए मुझे आप। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, 5 साल में कांग्रेस के कामों से अगर आप मुतमईन हैं और कांग्रेस ने बिल्कुल अच्छी तरह से अगर यहाँ कॉरपोरेशन में अपनी ड्यूटी निभाई है, तो मुझे लगता है मुझे यहाँ डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मुझे चले जाना चाहिए। किया है क्या काम, मुझे लोगों ने यहाँ बताया, बुलाया यहाँ पर। देखिए, मैं बीजेपी को फायदा पहुंचाइए मैं कभी काम नहीं कर सकता, मैं बीजेपी का एक नंबर का दुश्मन हूं, खुदा की कसम। मेरी पार्टी छोटी हो जाए चलेगा, लेकिन मैं बीजेपी जैसी पार्टी को इस देश से नेस्त नाबूद कर देना चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी का जो आज रवैया है, जो बीजेपी के लोग आज खुलेआम मुसलमानों के लिए बातें कर रहे हैं, गाय के नाम पर कैसे मारा जा रहा है, लटका लटका के, नंगा करके, गाड़ी में बांध कर, पेड़ में बांध करके, चार चार आदमी लाठी से जितनी ताकत से मार सकते हैं मार रहे हैं, और पुलिस वाला खड़ा देख रहा है। मोदी जी, तुम्हारी ये गौ रक्षक जो टीम है ना, ये हिजड़ों ना मर्दों की है, मर्दों की नहीं है, ये मर्दों का काम नहीं है कि किसी को इस तरह से अकेले पकड़ के मारना। देश में कानून बन गया, जो कानून होगा अगर गलत काम करेंगे पुलिस पकड़ेगी, ले जाकर जेल में डाले, मुकदमा चलाए, जो सजा होगी सजा उसे मिलेगी। लेकिन आपकी सरकार में रोजाना इखलाक नाम का जैसा आदमी मारा गया, हमने सबर कर लिया। जुनेद नाम का लड़का, हाफिज़े कुरान, कम उम्र का बच्चा, पूरी तरावी पढ़ा करके आखिरी दिन लोगों ने उसको उजरत में पैसे दिए, वो बेचारा अपने 3 भाइयों को लेकर ट्रेन में जा रहा था अपनी ईद की शॉपिंग करने के लिए, ईद के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए, उसको दाढ़ी पकड़ के मारा गया। मुसलमान है, आतंकवादी है, गाय खाता है, पाकिस्तानी है, इस तरह के अल्फाज से नवाजने की तुम्हारे बाप की हिम्मत है क्या? ये हमारे बाप दादा का मुल्क है, ये तुम्हारा मुल्क नहीं, अकेले का है, ये नहीं चलेगा इस देश के अंदर। अगर इसका एक्शन का रिएक्शन हो जाएगा तो मोदी तुम संभाल नहीं सकते हो। याद रखना, 25 करोड़ मुसलमान, 25 करोड़ मुसलमान अगर तुम इसी तरह से तंग करोगे, तो जब पानी सर से ऊंचा हो जाएगा, कोर्ट कचहरी में जाने के बाद पुलिस भी मदद नहीं करेगी, तो मरता क्या नहीं करता, ये होगा तो इस देश के अंदर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी जैसी पार्टी जो सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना करके, हिंदू मुसलमानों की एकता को तोड़ करके, झूठे वादे करके सरकार में रहना चाहती है, मैं सबसे पहले उसका दुश्मन नंबर एक हूं। लेकिन मैं करूं क्या? अभी भिवंडी में इलेक्शन हुआ, भिवंडी में पूरी सीटें हैं 45 दिन, 90 सीट है, 90 में कांग्रेस की अल्हम्दुलिल्लाह 47 सीट चुन के आ गई, कितनी? 45 में मेयर बनता है, 45 में मेयर बनाने के बजाय इन्होंने शिवसेना को साथ में ले लिया। अब शिवसेना को लेने की क्या जरूरत? अब यहां भाषण करोगे तो बीजेपी और शिवसेना के खिलाफ बात करोगे और ये कहोगे कि अबू आजमी यहां आया था और भाषण करके शिवसेना बीजेपी को वोट काट के मजबूत करेगा, ये तो कहोगे ना कि वोटों का बिखराव होगा। अगर वोट एक साथ होगा तो कांग्रेस चुन कर आएगी, सेकुलर जमात चुन कर आएगी, और अगर अबू आसिम जैसे लोग आएंगे वोट काटेंगे तो शिवसेना बीजेपी जैसी पार्टी को फायदा होगा, यही कहेंगे अखबार। सुनो, मैं माइक पे बोल रहा हूं, बोलिए सही है गलत है, एक ही चीज, पैसा जो खर्च करते हैं लोग, ये मंडी की आवाम, उसी जो सरकारी खजाने का पैसा होता है उसी से लेते हैं। क्या जरूरत शिवसेना को? मेरी मालूमात है, आज शिवसेना के साथ मुझे मालूम है, मुझे पता है लोगों ने इनका मेयर बना है और शिवसेना का नगर सेवक जो मेयर बना हुआ है, या 47 चुनकर आए कांग्रेस के और 20 या कितने शिवसेना के, सबने मेयर बनाने में मदद किया और एक नगर सेवक को 20 लाख रुपया दिया गया। खुदा की कसम, ये बात मैंने जाकर अशोक चौहान से कहा, क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग, क्या देश को लूटने बैठे हैं?
बीस बीस लाख रुपया दे करके। आज नांदेड़ के अंदर 95 करोड़ रुपया ब्रह्मपुर इलाके के लिए आया, जो मुस्लिम इलाका है। काम हुआ? काम नहीं हुआ? अरे आपको शर्म आना चाहिए चौहान साहब, आप मुख्यमंत्री थे और आप नांदेड़ के थे और आपका वोट बैंक खत्म हो गया। सिर्फ मेरी कौम के लोग आपके साथ खड़े हैं क्योंकि बीजेपी जीतने ना पाए, इसे ना चाहते हुए आपको वोट दे देते हैं। उसके बाद भी मुसलमानों के साथ ये ना इंसाफी, ये हो रहा है देश में आज, तो फिर बचा क्या? यकीन जानना दोस्तों, आज जो बीजेपी कर रही है इस देश के अंदर, कांग्रेस ने वही किया है। अगर कांग्रेस नहीं करती वो, तो शायद आज बीजेपी चुन के कभी नहीं आती। भिवंडी का किस्सा सुनाऊं आपको? मैं भिवंडी से भी एमएलए चुना गया था और गोंडी से भी चुना गया था। भिवंडी में एक मस्जिद है, कब्रिस्तान है, वहां पर पुलिस वालों ने कहा कि हम यहां पर पूरे पुलिस स्टेशन भिवंडी के जितने पुलिस है एक ही जगह बना दिया जाएगा। वहां के लोगों ने, कांग्रेस का जमाना था, वहां के लोगों ने कहा नहीं, यहां हम पुलिस स्टेशन नहीं बनने देंगे, पुलिस स्टेशन बनेगा शराब की बोतल फेंकी जाएगी, बदमाश गुंडे आएंगे, पुरानी गाड़ियां ला दी जाएंगी, शराब की भट्टियों के सामान यहां आएंगे, हम इस इलाके में पुलिस स्टेशन का विरोध करते हैं। एक दिन लोगों ने ऐसे वो किया, आंदोलन किया, पुलिस वाले ने गोली मारा, दो लोग मर गए। एक लड़का बेचारा, जब उसको पोस्टमार्टम में ले गए, उसके जेब में दो रोटी मिली, दो रोटी कागज में लपेटी हुई। मैंने उसकी मां से पूछा कि मां ये रोटी दो क्यों आई इसके जेब में? कहा बेटा हम रोजाना इसको 5 रुपया देते थे और दाल देते थे घर से, रोटी देते थे घर से, कि तुम सालन जाकर किसी होटल से खरीद के खा लेना, घर मत आना, मजदूरी का काम करता था। एक बुड्ढा आदमी जा रहा था, उसको मार दिया गोली। मैंने आरा पाड़ी से कहा, बहुत गरीब लोग हैं, मैंने उनको मदद किया जो मैं कर सकता था। मैंने कहा इसको पैसे दे दो, इसको मदद कर दो और वो पुलिस वालों के खिलाफ केस करो, ये गलत मारा है। मुझे कहा कि ये आंदोलन कर रहा था, इसके खिलाफ इसलिए गोली मारा गया, कोई मदद नहीं मिली, गरीब आदमी बेचारा मर गया, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। ये कांग्रेस के जमाने की बात। लेकिन उसी एक सिंगानिया नाम का अस्पताल है थाना के अंदर, उसमें एक शिवसेना का लीडर भर्ती हुआ और मर गया। मरना तो किसी को भी है भाई। उसके मरने के बाद शिवसैनिकों ने पूरा अस्पताल जला डाला, तोड़ डाला, पूरे शहर में हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन पुलिस वाले एकदम हाथ बांधे खड़े रहे, एक भी गोली नहीं चलाए। गोली चलती है तो सिर्फ मुसलमानों पर चलती है, ये खुलेआम बात है, ये कोई नई बात नहीं है। जब गोली चलती है तो इनकी मुसलमानों पे चलती है। और वोट मांगने हमारे पास ही आते हैं। अभी मैं शोलापुर गया, शोलापुर में दो सौ पचास साल 250 साल की बनी हुई मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद करवा दिया गया। शोलापुर के मुसलमान बहुत परेशान। मैंने जाकर बात किया आरआर पाटिल साहब से कि सर उस मस्जिद में नमाज क्यों बंद कराया आपने? बाहर के लोग नमाज पढ़ने आते थे, आप कहें बाहर के लोग नहीं आने देंगे? तो कहने लगे आतंकवादी आने का डर है। देखिए किस तरह से मुसलमानों के साथ यहां जातियां हो रही है। आतंकवादी आया नहीं, आने का डर है, इसलिए हम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। हमारे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है। मैंने कहा सर अभी तक तो आए नहीं, लेकिन अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादी आ गए थे, अहमदाबाद के अक्षरधाम मंदिर में, और अक्षरधाम मंदिर के अंदर आतंकवादी आए, गोलियां चली, बहुत लोग मारे गए। क्या आप उस अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादियों के आने की वजह से क्या पूजा पाठ बंद कर देंगे? मुझे बताइए, कहा नहीं बंद करेंगे। मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर है, बहुत बड़ी मंदिर है, वहां बहुत पुलिस बैठी रहती है, आतंकवादियों का आने का डर है। अगर आतंकवादी आने का डर है तो आप उस मंदिर में पूजा बंद करा दो, क्यों नहीं बंद करा देते? नहीं बंद कराई जाएगी।
लेकिन मुसलमानों की मस्जिद बंद कराई जाएगी। ये कांग्रेस का दोगलापन चलेगा क्या इस देश के अंदर? क्या है ये? मैं नई बंबई की बात बताऊं, नई बंबई में मुसलमान सिडकों में गया, मेरी बात लिख करके अशोक चौहान को पहुंचा देना चाहिए कि तुम जिस कौम के पास वोट मांगने जा रहे हो तुम लोगों ने क्या किया है, जरा अपना मुहासिबा करो। एक जगह सिडकों में अलॉट हो रही थी मस्जिद के लिए, मुसलमान ट्रस्ट बना के गया लेने के लिए, तो कहा 25 लाख रुपए की जगह है। मुसलमान 25 लाख देने को तैयार था, कहा नहीं जाइए पहले आप होम मिनिस्ट्री से मस्जिद का परमिशन लाइए। उस परमिशन को लाते लाते 6-7-8 साल लग गए। जब लेकर आए तो गए कि भाई हमारा परमिशन हो गया, हमें जगह दे दो। कहा कि नहीं भाई, ये जगह 25 लाख की थी, अब इसका दाम 1.9 करोड़ हो गया। 1.9 करोड़ मुसलमान बेचारा दर दर ठोकरे खा के चंदा जमा किया और 1.9 करोड़ लेके गया कि आप जगह दो। जगह मिल गई, मुसलमान बहुत खुश हुआ, मिठाइयां बांटा और जाकर के ईंटा गिरा के बाउंड्री बनाया कि हमारी मस्जिद बनेगी। देखिए देश में क्या चल रहा है। शिव सैनिकों ने आकर के पूरी दीवार तोड़ दिया, मस्जिद का परमिशन है और दीवार टूट गई। और फिर शिव सैनिकों ने जाकर हाई कोर्ट में केस किया कि इस इलाके में मस्जिद नहीं बनना चाहिए। हाई कोर्ट के जज साहब ने एक फैसला लिखा कि ऐ शिव सैनिकों, अगर तुमको यहां मस्जिद पसंद नहीं है तो जाओ बाला साहब ठाकरे के महल्ले में रहो, अपना सामान अपनी बोरिया बिस्तर बांधो, लेकिन मुसलमानों की मस्जिद यहां बनेगी। इससे अच्छा फैसला क्या हो सकता है? बहुत खुशी मनाई गई। फिर गए मस्जिद बनाने, फैसला आने के बाद भी शिव सैनिकों ने आंदोलन किया और मस्जिद नहीं बनाने दिया। जज साहब ने फिर लिख के दिया आर पाटिल के नाम पर कि होम मिनिस्टर साहब आप इन मुसलमानों को सिक्योरिटी दीजिए और इनकी मस्जिद बनाने दीजिए। पिछले 10 सालों से मेहनत हो रही, सरकार सिक्योरिटी देने को तैयार नहीं। मैंने कितनी मेहनत की असेंबली के अंदर, कितनी बार इस पे चिल्लाया, इतने सालों के बाद अब जाकर मस्जिद का काम शुरू हुआ है। यह इस देश में हो रहा है, इसलिए मैं आज आपके बीच में आया हूं दोस्तों। मलाड में एक मस्जिद है जिस मस्जिद की दीवार के लिए मैं 8 दिन जेल में था, सिर्फ दीवार। सोचो जरा, मस्जिद का परमिशन है, मस्जिद का वक्फ बोर्ड से मस्जिद दर्ज है उसके अंदर, और सिर्फ उसकी दीवार टूट गई है। मुसलमान अपने पैसे से म्युनिसिपैलिटी से परमिशन लेकर उसकी दीवार बनाना चाहता है। म्युनिसिपैलिटी परमिशन भी दे रही है लेकिन उसके बाद कह रहे नहीं यहां पर फसाद हो जाएगा, परमिशन कैंसिल कर देते हैं। और आज तक कांग्रेस की सरकार में आज तक मस्जिद की दीवार नहीं बनी। अभी 3 साल से आई है सरकार बीजेपी की, इसके पहले आजादी के बाद आज तक सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकार इस मुल्क में रही है, इस महाराष्ट्र में रही है। तो कैसे इंसाफ कैसे मिलेगा इनसे?